हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ हिना देसाई फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम इंग्लिश चैप्टर नंबर 4, द अलाइंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रॉल। नेक्स्ट लेक्चर वी see this lesson. Today we discuss about the question and answer of the text. First, understanding the text. First one, locate the line in the text that support the title The Aligning Planet. Locate the lines in the text. Locate means उसका जो स्थान है, place है वो. Lines in the text that support means उसको help करना. The title The Aligning प्लैनेट मीन्स ये जो लेशन का टाइटल है द अलाइंग प्लैनेट। ओके, तो ये जो टाइटल है वो टाइटल की जगह ये लेशन जो है टेक्स्ट बुक टेक्स्ट में ये जो टेक्स्ट है उसमें कई लाइन्स दी है। वो कौन सी लाइन है जिसको हम ये टाइटल जो है द अलाइंग प्लैनेट वो निकाल के जो ये लेशन में लाइन दी गई है वो हम रख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी लाइन है जो हमें बुक में से मिल सकती है? तो पहले हमने देखा कि आप देखो कि पेज नंबर 44 पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें है कि द अर्थ वाइटल साइंस रिवेल अ पेशेंट इन डिक्लाइंग हेल्थ। ये जो लाइन है ये लाइन हम जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन की जो लाइन थी टाइटल है द अलाइंग प्लेनेट तो उसकी जगह हम ये रख सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही हो रहा है कि द अर्थ वाइटल साइंस रिवेल अ पेशेंट इन डिक्लाइंग हेल्थ क्योंकि जो अर्थ की जो हेल्थ है वो कैसी हो गई है अभी वो एक पेशेंट की तरह हो चुकी है। ये फर्स्ट लाइन है। ओके, और अभी सेकंड लाइन भी है ये लेशन में वो कहीं पे है वो भी उसका भी जो मीनिंग है वो ऐसा ही होता है। हाँ, यहाँ पे उसी पेज पे आर वी लीव अवर सक्सेसर अ स्कॉच प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप एंड अलाइंग एनवायरमेंट कि जो हमारे जो सक्सेसर्स मींस के जो हमारे पीछे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम वो स्कॉच प्लेनेट मींस कि वहाँ रेगिस्तान जैसा स्कॉच प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान जैसा या फिर इम्पॉवरिश लैंडस्केप्स कि जहाँ कोई भी ट्री नहीं हो ग्रीन लैंड नहीं हो और ऐसे ही बंजर जगह हो एंड अलाइंग एनवायरमेंट और पॉल्यूटेड एनवायरमेंट वो हम छोड़ के जा रहे। तो ये जो लाइन है और हमने जो ऊपर पैराग्राफ में लिखी है वो लाइन ये दोनों लाइन हम वो टाइटल की जगह रख सकते हैं। और अभी तीसरी लाइन भी है यहाँ पे है वो द एनवायरमेंट हैज डिट्रॉयटेड सो बैडली दैट इट इज क्रिटिकल In many of the 88 countries investigated, ये टाइटल भी हम रख सकते हैं कि ये जो
ये वर्ल्ड में से जो 88 कंट्रीज है उसने सबने मिलकर इन्वेस्टिगेशन किया है, और वो सारे इन्वेस्टिगेशन में ये सबने इन्वेस्टिगेट किया है कि जो हमारी अर्थ है, जो भी एनवायरनमेंट है, वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। वो अभी गंभीर समस्या में है जो हमारा प्लेनेट है वो। तो हम ये लाइन भी वो टाइटल की जगह रख सकते हैं। सेकंड वन, व्हाट डज द नॉटी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल? एट अ केज इन द जू एट लुसाका जिम्बिया सिग्निफाई। व्हाट डज द नॉटिस, नॉटिस जो थी वो क्या थी? जो नॉटिस थी द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल्स प्राणी। एट केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई, कि जो लुसाका जाम्बिया में वो जू था उसमें उसपे यहाँ नोटिस लिखा था कि केज के पास कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो वो जो नोटिस लिखा था उसका मीनिंग वो क्या सिग्निफाई करता है? द नोटिस सिग्निफाई दैट देर इज अ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सिस एंड डिट्रिएशन ऑफ एनवायरमेंट। मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंडीशन। कि क्यों मैं वहां यहाँ लिखा कि इनसाइड द केज देर इज नो एनिमल बट मिरर अर्सर, क्यों कि जो हम ये क्या सिग्निफाई करता है कि वर्ल्ड्स डेंजरस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल वो लुसाका जिम्बिया में वो नोटिस लिखा था। तो उसका मतलब यही है कि जो ह्यूमन बीइंग है तो सबसे डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज वी ऑल आर ओनली डिस्ट्रॉय अवर प्लेनेट। नाउ थर्ड वन, हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बिगिन डेप्लेटेड? हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल, जो अर्थ के जो प्रिंसिपल थे बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लेटेड, के जो अर्थ जो हमारी अर्थ है जो हमारा प्लेनेट है तो उसका जो प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल अभी वो डिस्ट्रॉय हो रहा है? तो कौन से हैं प्रिंसिपल? सो हाँ, ये भी देखो कि द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर। विच वन? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। जो वो फाइव प्रिंसिपल है वो फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड है। एंड हाउएवर ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ दैट फोर एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन क्लेम ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। बिकॉज वी आर नॉट थिंक अबाउट अवर न्यू जनरेशन एंड वी यूज सो मैनी नेचुरल थिंग्स एंड हार्म अवर एनवायरमेंट, हाउ हार्मफुल टू अवर प्लेनेट। एंड मोर फिशरीज कॉलेप्सिस, फॉरेस्ट डिसअपियर, ग्रासलैंड हियर सी यू, फिशरीज कॉलेप्सिस, फॉरेस्ट डिसअपियर, ग्रासलैंड कन्वर्ट इन टू बैरर वेस्टलैंड एंड क्रॉपलैंड डिटेरियस। ओके, सो दैट्स वाई हियर इन थर्ड क्वेश्चन वी से दैट हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बिगेन रिलेटेड।
So this way. Okay, now that fourth one. Why does the author aver that the growth of world's population is one of the strongest factors destroying the future of human society? Why does the author aver that the growth of the world population, जो population है, world India's population grow day by day and one of the strongest factor destroying the future of human society and that one of the strongest factors if the population increase is strongest factor of future human society because why जो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है वो सबसे ज्यादा जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो है क्यों है वो ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर एंड दिस स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर it disturb the earth's principal biological system. Why जो ये ज्यादा population है वो हमारी earth की जो principal biological system है वो कौन सी वो four biological system है वो उसकी उसपे वो जो ये population है उसका effect सबसे ज्यादा होता है वो जो हमारा environment है उसको ज्यादा पॉल्यूटेड करती वो उसकी वजह पॉपुलेशन की वजह से ज्यादा एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है एंड जो हमारे ऑथर है दो ऑथर हाईलाइट करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ आवर पॉपुलेशन बाय पॉइंटिंग आउट द मेंटल ऑफ द पुअर एंड पुअर पीपल थिंक दैट द मोर चिल्ड्रन poor people say that more children and they said कि children बच्चे ज्यादा हो गए कि तो more worker आएंगे ये जो paragraph है वो उसका answer यही से मिलेगा हमको जो poor people think that there more children does not means more worker जो poor people वो थिंक दैट कि ज्यादा बच्चे हो गए तो ज्यादा वर्कर हो गए ओके बट इट्स रॉन्ग ज्यादा बच्चे मीन्स ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट द मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन्स मोर वर्कर मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क इट मोर विदाउट वर्क मीन्स कि ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इट इज सजेस्ट दैट द ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्ट्रिप ओके जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होगी हमारे एनवायरमेंट में नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द टैक्स डिस्कस इन ग्रुप ऑफ फोर यहाँ जो नीचे टैक्स दी गई है लाइन की है उसको हम फोर पर्सन का ग्रुप बना के उसमें डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स इन इंडिया लॉज मीन्स वो कायदा यानी फिर आर्टिकल होते हैं वो नेवर रिस्पेक्टेड नॉर अफोर्स इन इंडिया वो लाइन डिस्कस कर रहे हैं हम तो we see that India is the biggest democracy in the world. And we see that Article 48A of the Constitute of the India provide that the state shall endeavor to protect and improve the environment
and so state food the forest and wildlife of the country. But it this law never respect. Okay, and that's why that we see कि उसकी वजह से एंड वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें वो लॉ पास किया था बट कि वो लॉ का भी अभी यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है कि वो कौन सा लॉ था कि हाँ कास्टाइज्म अनटचेबिलिटी एंड बाउंडेड लेबर शैल बी abolished. Okay, but they flourish shamelessly even after 44 years. Means ki abhi bhi 44 years pehle ka ye jo article bana tha 84A mein aur usme wo casteism, untouchability hai wo sab tha lekin abhi bhi uska koi implementation nahi ho raha hai, koi improvement nahi aa rahi hai. Abhi wo jaisa tha waisa hi hai. And we also say that a recent report of our parliament's estimate committees has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last four decades. Indian, according the reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million across the years. Now second, are we to leave our successor a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscape and an alien environment? कि हम जो लोग हैं वो हमारे successors हैं, हमारे जो generation, new generation आने वाली है वो स्क्रॉच प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट एंड इम्प्रोविश लैंडस्केप एंड अलाइंग एनवायरमेंट वो हम छोड़ रहे हैं. तो इसके ये लाइन जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एज वी लर्न इन द टेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा है टेक्स्ट में कि द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द अबो मेंशन मीन्स की जो यहाँ पे मेंशन किया गया है इस क्रॉस प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट इम्प्रोविश लैंडस्केप एंड अलाइंग एनवायरमेंट कि ये जो सब क्वेश्चंस है अबाउट डिस्ट्रॉयिंग कंडीशन ऑफ द प्लेनेट एंड द अर्थ इज अ पेशेंट इन डिक्लाइंग हेल्थ जो हमारी अर्थ है उसकी तो वो जो हमारा ब्रांड था उसमें वो क्वेश्चन अराइज हुआ कि आर वी लीव अवर सक्सेसर स्क्रॉटलैंड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट एंड इम्प्रोविंग लैंडस्केप एंड अलाइंग एनवायरमेंट ये जो ब्रांड में हुआ तब और वो हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है अवर प्लानेट इज डिक्लाइंग हेल्थ की हमारे जो प्लानेट है उसकी भी हेल्थ खराब हो जा रही है अभी एंड दैट फॉरेस्ट ग्रासलैंड फिशरीज एंड क्रॉपलैंड आर द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव डिमांड फॉर रिसोर्सिस ये सब रिसोर्सिस है उसकी अभी डिमांड ज्यादा हो रही है एंड पॉपुलेशन हैज लेड टू सस्टेन ऑन द हेल्थ ऑफ अवर प्लेनेट एंड जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने की वजह से भी जो हमारी ये जो अर्थ है हमारा जो प्लेनेट है उसकी जो हेल्थ है वो अभी ज्यादा खराब हो रही है. सो वी मस्ट रियलाइज दैट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व अवर प्लेनेट ओके हम हमारा जो प्लेनेट है उसको हम प्रिजर्व करें उसकी हम देखभाल करें एंड वी मस्ट रियलाइज दैट
कि दैट बिलोंग एज मच टू द फ्यूचर जनरेशन एज मच टू अस। हमें ये देखना है कि हम जितना अभी यूज कर रहे हैं ओके वो हमको बचा के प्रिजर्व करके रखना है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए ओके। एंड जो हमारे जो फोर फादर थे तो उन लोगों ने ये जो प्लैनेट है ठीक है उसको हमने वो हेरिटेरी में दिया है मींस विरासत में मिला। ऐसा नहीं सोचना है बट जो ये प्लैनेट है वो हमारे फोर फादर से हमने बोरो लिया है ठीक है। वो हमको हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हमें सही सलामत वापस करना है देना है। सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ अवर प्लैनेट एंड सेव अवर एनवायरमेंट। थर्ड वन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन। कि ये जो अर्थ है वो हमारे फोर फादर से हमको विरासत में नहीं मिली है बट वी हैव बोरो इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन। बट हमने ये जो अर्थ है वो हमारे चिल्ड्रन के लिए हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए हमने बोरो ली है मीन्स वो हमने उसे उधार ले ली है अभी वो वापस हमारे जनरेशन के लिए रखना है। वो कैसे डिस्कस करें कि जो अभी ये पॉपुलेशन है वो एक प्रॉब्लम है ठीक है हमारे प्लेनेट के लिए। और जो अभी जो सभी हमको अभी वी ऑल टेक केयर ऑफ आवर प्लेनेट एंड हम सब जो है वो मिलके होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड उसका हम अप्लाइंग करेंगे कि अर्थ इज अ लाइव ऑर्गेनिज्म एंड दैट हैज लिमिटेड रिसोर्सिस। हमको ये ध्यान में रख के चलना है कि जो अर्थ है वो क्या है एक डिक्लाइंग जो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग थिंग है जो हमारी अर्थ है वो एंड वो लिविंग थिंग है मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके लिए से इसीलिए जो अर्थ है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सिस है। वो कौन से रिसोर्सिस जो हमने आगे देखा कि ये वो फिशरीज क्रॉपलैंड ग्रासलैंड ठीक है वो सब है वो क्या है लिमिटेड ही है। उसका यूज करने वाले हम सिर्फ हम ही नहीं है वी विल नॉट लास्ट फॉर एवर ओके। बट जो हमारी जनरेशन है उसके लिए भी हमको ये बचा के रखना है सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हमें यही सोच के चलना है कि हमारे फोर फादर है उसको उसने बचा के रखा हमारे लिए और अभी हम हैं तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसके लिए रखेंगे। इसीलिए हमें यही दिमाग में रख के चलना है कि ये जो अर्थ है हमें विरासत में हमारे फोर फादर से नहीं मिली है पर हमने उससे बोरो की है। नाउ फोर्थ वन, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डिरेक्टली अफेक्ट अवर एवरीडे लाइफ। प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन इट्स डिरेक्टली अफेक्ट अवर एवरीडे लाइफ। यस बिकॉज वाई कि ओवर पॉपुलेशन लीड टू द इश्यूज ऑफ पॉवर्टी मेन प्रॉब्लम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वी सी इन इंडिया टूडे मेन सबसे ज्यादा से खतरनाक मुसीबत है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से तो ओवर पॉपुलेशन सो ओवर पॉपुलेशन लीड टू द इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड वन पॉवर्टी ओके।
एंड वो दैट पुअर पीपल थिंक दैट कि मोर फैमिली मेंबर्स एंड मोर इनकम, बट इट्स रॉन्ग बिकॉज ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ज्यादा मेंबर्स हो गए, वो सभी ही बाहर उसको काम मिलेगा ऐसा नहीं, उसमें से कितने सारे अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकते हैं, वो थिंकिंग अलग है। इसीलिए हमको क्या करना होगा, वो ओवर पॉपुलेशन के लिए पहले तो वो सब है वो पुअर पीपल, उसको हमें समझाना पड़ेगा, ठीक है, कि वो ज्यादा मेंबर्स होगी तो ज्यादा इनकम होगी, ये रॉन्ग है। कम पॉपुलेशन होगी तो एजुकेशन ज्यादा मिलेगा, और एजुकेशन ज्यादा मिलेगा, सबकी अवेयरनेस आएगी तो लाइफ इजी हो जाएगी, एंड वो पॉपुलेशन है उसकी भी प्रॉब्लम में थोड़ी हेल्प मिलेगी। वी ऑल्सो सी दैट कि पॉपुलेशन की वजह से ये जो पॉपुलेशन है वो हमको वो हार्मफुल है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, अवर कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वो हार्मफुल है ओवर पॉपुलेशन। एंड ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो ज्यादा से ज्यादा एज मच फास्टर एज उसका वो रेट है वो बढ़ रहा है, वो जो पॉपुलेशन की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका ज्यादा यूज हो रहा है, और वो रिसोर्सेस है उसका रेट अभी कम होता जाता है, कम होता दिखाई दे रहा है। ओके, सो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन की वजह से और पॉपुलेशन की वजह से हमारी जो एवरीडे लाइफ है वो ज्यादा अफेक्ट हो रही है। ओके, नेक्स्ट थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, हियर वी स्टॉप, थैंक यू सो मच।